In one of the themes I think India brings to technology is that it should be available for everyone, actually lifting up those in who need it the most. जब मैं दुनिया में डिजिटल डिवाइड की बात सुनता था, मैं कहता मेरे देश में मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा कि डिजिटल डिवाइड हो। और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अपने आप में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। आज मेरे यहाँ गांवों तक मैं ये डिजिटल फैसिलिटी पहुँचाना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा टारगेट ग्रुप है। महिलाएं तुरंत नई चीज़ों को स्वीकार करती हैं, ये मेरा अनुभव है मेरे देश में। उनके अनुकूल कौन सी चीज़ें मैं टेक्नोलॉजी में ले जाऊंगा, तो वो एकदम से एक्सेप्टेबिलिटी बनती है। मैंने एक कार्यक्रम लिया है नमो ड्रोन दीदी, उसके पीछे मेरे दो लक्ष्य हैं। एक तो मैं भारत के गांवों में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना चाहूँ, और वो भी एक गरीब परिवार से। तो मैं एक साइकोलॉजिकल चेंज करना चाहता हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं, बड़ी चीज़ें करनी है। दूसरा, गांव में महिलाएं मतलब यही काम करेगी, भैंस को चराएगी, गाय को चराएगी, दूध दोहेगी, नहीं, मैं उसके हाथ में टेक्नोलॉजी देना चाहता हूँ। मैं साइकोलॉजिकल चेंज लाना चाहता हूँ। गांव के सब लोगों को लगना चाहिए कि ये हमारे गांव को बदल रही है। एग्रीकल्चर को मैं आधुनिक बनाना, वैज्ञानिक बनाना, ये ज़रूरत मैं देखता हूँ, और उसी लिए मैंने ड्रोन दीदी का, और बहुत सक्सेसफुल चल रहा है। मैं ड्रोन दीदी से इन दिनों बातें करता हूँ, उनको इतनी खुशी है, वो कहते हैं हमको साइकिल चलाना नहीं आता था, आज हम पायलट बन गए, हम ड्रोन चला रहे हैं। सोचने का तरीका बदल गया है।